जरूर हुआ कि हाँ रेवेंज भी आ सकती है, टीएसएम भी आ सकती है, यहाँ पर वीएसटी भी आ सकती है, बहुत सारे टीम्स के नाम फिर हमें देखने को मिलेंगे। वैसे हम चाहते हैं कंपटीशन बिल्कुल एक टॉप नॉच हो, मल्टीपल टीम्स का एक मौका मिले उनको, तो और भी बेस्ट रहेगा आखिरी दिन में। तो जी ये तो बिल्कुल सही कहा। देखिए टीम गॉडलाइक की बात कर लेते हैं, खाता नहीं खुला है अभी के लिए, बट इनके पास अच्छा एरिया है। थोड़ी देर में अभी टीम्स बहुत ज्यादा एलिमिनेट नहीं हुए गेम्स, मात्र देखिए शुरुआत जब की थी 20-21 टीम नजर आर का आंकड़ा मेंटेन किया हुआ है। पुकार को भनक तो लग चुकी है और नियो की तरफ शॉट किए थे, नियो को स्पॉट किया गया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाई रिज है तो रिज ग्लिच जैसी चीज जो है वो होती हुई और अभी के लिए फेवर किया। बट अभी अभी फ्रैग फीड पे अगर आपने नजर डाला होगा, हाइड्रा डायन सिंह गिर के नॉक हुए हैं और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में बड़ी खराब लग बहुत बहुत खराब लगता है यहाँ पे अगर आप मेरा मार के रिजिस से गिर के नॉक हो जाए। मैंने मैंने ना इनसे ऐसी स्थिति देखी कभी कभी, देखे सरकार को डाउन किया, केएसआर को डाउन किया, रेज गॉड को भी डाउन कर दिया, हैदराबाद हाइड्रा एलिमिनेट होते हुए, लेकिन पुकार को थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा। राइट साइड पे गॉडल जी गॉड भी नजर आते हुए, ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स गॉडलाइक के साथ फाइट ले रही है, लेकिन गॉडलाइक का जी गॉड का ग्रेनेड स्पाइक को स्पाइक करके टेक डाउन करेगा। मल्टीपल एंगल्स पे फाइट, क्लच गॉड इज डाउन एट द मोमेंट। क्लच गॉड का कंफर्मेशन के लिए गए पुकार क्वाइट इजीली, बड़े प्यार से कंफर्म भी कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ भी हमें खिलाड़ी नजर आते हुए जी गॉड ब्लाइंड के साथ कर रहे हैं और जी गॉड को यहां पे ऑफ पकड़ा है, ऑफ कवर ही गेट्स डाउन। जी गॉड का बच पाना आई डोंट थिंक यहां पे मुमकिन हो पाएगा। जी हां, टीम वीएससी बहुत शानदार एंड कैजुअलिटी भी हुई तो कैवलरी भी आई सामने की तरफ, विज गॉड नजर आते हुए, गॉड नियो भी कुछ क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, दे हैव टू मेक श्योर, पास में ब्लाइंड भी है। पुकार ने गॉड शैडो को टेक डाउन किया एंड अपनी एके के दम पे डीबीएस को हराया है। अभी करने के एक और खिलाड़ी है, जी हाँ नियो नजर आते हुए, नियो जाएंगे टेक डाउन कर दिया है दो प्लेयर्स को, नियो क्या यहां पे क्लच कर पाएंगे, वी गॉट वन लास्ट मैन सर्वाइविंग दैट इज गोना बी पुकार, बट